निटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, निटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई फ्रेंड्स। ये इसका राइट साइड है, ये इसका रॉन्ग साइड। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 4 मल्टीपल प्लस 1 एडिशनल प्लस 2 एज फंदे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जैसा मैंने ये डिज़ाइन यहाँ स्टार्ट किया, सेम ऐसा ही आपने ऊपर रिपीट करना है। ये देखिए, ये हमारा एच फंदा है। इस फंदे को मैं यहाँ पर सीधा बना रही हूँ। धागे को अपने साइड करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे। फिर धागे को आगे करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3 फंदे उल्टे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 1, 2 और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे बनाते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से सेकेंड रो। ये हमारा एच फंदा है, ये यहाँ पर मैंने सीधा बनाया, तो यहाँ पर इस फंदे को मैं उल्टा बना रही हूँ। धागे को हम पीछे करेंगे। अब ये देखिए, 1, 2 और 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। धागे को अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे, ये 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, धागा आगे। जो फंदा हमारे यहाँ पर सीधा है, वो फंदा यहाँ पर आकर हमारा उल्टा बनेगा, धागा पीछे। ये फंदे हमारे 3 यहाँ पर उल्टे हैं, तो ये फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बनेंगे। सेकेंड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे थर्ड रो राइट साइड से। ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, धागे को अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे करेंगे। अब एक फंदा हमारा ये सीधा है, इस फंदे को ये देखिए ऐसे लेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और इसी में से एक फंदा और बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारे एक फंदे में से 1, 2 और 3 फंदे हमने ये सीधे बनाए। फिर रिपीट करेंगे, फिर देखिए 1, 2 और 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा एक फंदा यहाँ पर उल्टा फंदा है, ये यहाँ पर ये एडिशनल है, और उसके बाद जो है रिपीट ऐसे ही होगा, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हमारा सीधा आएगा, उस पर हम ये सीधा बनाएंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदा इसमें से हम दोबारा फिर सीधा बनाएंगे। तो एक फंदे में से हमने 1, 2 और 3 फंदे सीधे बनाए। धागे को आगे करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, 1, 2 और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे पर ये ऐसे लेंगे, धागे को अपनी तरफ और एक फंदा और सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से थर्ड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट। देखिए थर्ड रो को हमने राइट साइड से कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। ये हमारा एच फंदा है, इसे मैं यहाँ पर उल्टा बना रही हूँ। धागे को हम पीछे करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, जो हमारे राइट साइड में उल्टे हैं, ये यहाँ पर मैंने सीधे बनाए। धागे को हम अपनी साइड करेंगे, अब एक फंदा ये हम उतारेंगे, ये देखिए, और एक बीच वाला जो फंदा है हमारा, इसको हम उल्टा बनाएंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। धागे को आगे करेंगे, ये एक फंदे में से हमने 3 फंदे बनाए थे, ये देखिए यहाँ से एक फंदे में से 3 बनाए थे, सीधा जो बनाया था ये वो वाला फंदा, तो ये 3 फंदे। इसमें से एक फंदे को हम उतारेंगे और बीच वाले फंदे को इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये वाले फंदे को भी उतार लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदे को उतारेंगे, बीच वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और इस वाले फंदे को भी उतारेंगे। धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, रिपीट करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, बीच वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम
सीधे बनाएंगे। फोर्थ रो हमारी इसी तरीके से कम, देखिए फोर्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे फिफ्थ रो राइट साइड से। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर हम सीधा बना रहे हैं, धागे को अपने साइड करेंगे। अब ये देखिए ये तीन फंदे और एक फंदा हमारा ये उल्टा फंदा है, ये यहाँ पर धागे को हम पीछे करेंगे और ये वाले दो फंदे हम लेंगे और दो फंदों को हम दो का एक बनाएंगे और इसको हम निकाल देंगे। अब एक फंदा इसको हम सीधा बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको वापस ऐसे। अब एक फंदा ये वाला और एक ये उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इसे दो का एक बनाना ये ऐसे। ये देखिए धागे को आगे करेंगे एक, अब ये हमारे दो फंदे उल्टे हैं, यहाँ पर एक फंदे को उल्टा बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर रिपीट करेंगे एक उल्टा और एक ये हमारा सीधा फंदा है। देखिए ये हमारे पहले एक फंदे में से तीन बनाए, ये वो फंदा है और ये एक फंदा उल्टा लेंगे, तो इन दोनों फंदों को एक साथ हम दो का एक बनाएंगे। ये देखिए फिर ये बीच वाला फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर हमने सीधा बनाना है और इस फंदे को इस तरीके से ऐसे लेंगे और पलट कर लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे और एक उल्टा फंदा और एक ये वाला, इन दोनों फंदों को यहाँ से दो का एक बनाएंगे और इसे सीधा इस तरीके से। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं, इसमें से एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करेंगे। अब फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, ये दो फंदे लेंगे एक उल्टा और एक ये वाला फंदा, इस दो का एक बनाएंगे धागे को, सॉरी फिर एक फंदा और सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे को इस तरीके से पलट देंगे और लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे। अब एक उल्टा फंदा और एक ये वाला फंदा, इन दोनों को पीछे से लेंगे और दो का एक बनाएंगे। ये देखिए फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं, इसको हमने उल्टा बनाना है, धागा पीछे, दो फंदों का एक, बीच का सीधा, इसको इस तरीके से लेंगे लेफ्ट पर और पीछे से इसको दो का एक, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, इसमें से एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे, दो फंदों का एक, बीच वाला सीधा, इस फंदे को हम पलट देंगे और लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे, दो फंदे पीछे से लेंगे और इसको इस तरीके से। अब दो फंदे हमारे उल्टे हैं, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा और धागा पीछे, इसी तरीके से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट। देखिए फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर हमने उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये तीन फंदे हमारे यहाँ पर ये देखिए सीधे हैं तो ये फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे बनेंगे, तो तीन फंदे यहाँ पर उल्टे बनाने हैं। धागे को पीछे करेंगे, यहाँ पर एक फंदा हमारा उल्टा है तो इस फंदे को यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये तीन फंदे हमारे यहाँ सीधे हैं, इन तीनों फंदों को यहाँ पर हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए आपको अलग से पता चल जाएगा फंदे, ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, इस पर सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करेंगे, आपको तीन फंदे यहाँ पर उल्टे दिखाई देंगे, देखिए 1 2 3, ये तीन फंदे यहाँ पर हमने ये उल्टे ही बनाने हैं, फिर रिपीट, ये देखिए सीधा दिखाई देगा और ये तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे बनाते हुए सिक्स्थ रो को हम कंप्लीट कर, देखिए फ्रेंड्स सिक्स्थ रो को हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा फर्स्ट रो से सेम डिज़ाइन जो है वो ऐसे ही बनता जाएगा, तो ये देखिए इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा अपने डिज़ाइन को चेंज करना है। ये सीधा है, धागे को हम आगे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे करेंगे, ये वाला जो फंदा है ये हमारा बीच वाला जो फंदा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए अब ये वाला हमारा फंदा उल्टा है, ये दो फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हैं, तो आपने क्या करना है, ये वाले दो फंदे जो हैं, सॉरी तीन फंदे जो हैं उल्टे बनेंगे, ये देखिए ये तीन फंदे यहाँ पर उल्टे बनेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये तीन फंदे से ये बीच वाला जो फंदा है यहाँ पर हमने इसको सीधा बनाना है, तो ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए, ये बीच वाला फंदा हमारा इसको हमने सीधा बनाना है, धागे को आगे करेंगे, अब ये देखिए यहाँ से एक सीधा उल्टा और सीधा, ये तीन फंदे हैं जो है इनको हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए तीन फंदे उल्टे हो गए हमारे यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये यहाँ पर चला गया, तो ये हमारे तीन फंदे सीधे थे, ये बीच वाला उल्टा बनाना है आपने, सॉरी सीधा बनाना है, तो ये देखिए ये हमने सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करेंगे, ये देखिए अब यहाँ से 1 2 3, ये तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और ये बीच वाला फंदा जो होगा ये देखिए ये वाला, इसको हमने सीधा बनाना है, ये सीधा बनेगा, तीन उल्टे और एक सीधा, इस तरीके से बनाते हुए
फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी सेम इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है फिर इसको, तो आपका डिज़ाइन फ्रेंड्स ये बन जाएगा। बहुत इजी डिज़ाइन है और देखने में सुंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।